सर्वप्रथम मैं ये बोल दूं कि ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना मैं भाजपाई हूँ, ना मेरा कोई जनता दल से लेना देना है, ना मुझे कोई आरजेडी से लेना देना है। मैं एक भारतीय हूँ एवं एक इंसान हूँ। आज बड़ा जटिल विषय है और मुझे इस जटिल विषय में एक सफल और श्रेष्ठ लोकतंत्र का आधार निष्कपट और पारदर्शी शासन होता है। एक समाज के रूप में क्या हम इस विषय को संजीदगी से देखते हैं? अब इसमें से कुछ शब्द है, देखिए, सफल श्रेष्ठ लोकतंत्र, निष्कपट पारदर्शी शासन, समाज और संजीदगी। आप सभी शहरी है, आप सभी भारतवर्ष के नागरिक है, क्या ये शब्द कुछ सालों से आपको समझ में आ रहे हैं? क्या इसके कुछ मायने समझ में आ रहे हैं? जब हम बात करते हैं निष्कपट और पारदर्शी शासन की, तो शासन पारदर्शी और निष्कपट नहीं होता। शासन में बैठे वाले लोग, जो सत्ता चलाते हो हमारे नेता, यदि वो निष्कपट और पारदर्शी हो तो फिर लोकतंत्र के मायने हैं और उस शासन को हम कुशासन या सुशासन कह सकते हैं। क्या हमने अभी, या काफी वक्ता बोले तो उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उदाहरण दिया, अटल जी का उदाहरण दिया, क्या वो लोगों के बारे में सोचने वाले नेता भी है? अभी कितने भाजपाई ताकत के साथ कह सकते हैं कि वो अटल जी को जानते हैं और अटल जी को समझते हैं? अटल जी के साथ फोटो खींचने से और अटल जी कहने से, जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाने से आप अटल जी को नहीं समझ पाए। जवाहरलाल नेहरू को गाली देने का फैशन है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को गाली देके आप बड़ा बनना चाहते हो, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या है समझते हैं? मुझे बोला गया कि बिहार ये क्रांति की जन्मभूमि रही है, ये जमहूरियत की जन्मभूमि रही है, कब तक इतिहास में जियोगे? आज बिहार लोकतंत्र को गाली हो गया है, क्या इस बात को आप मानने को तैयार हो? कब तक इतिहास में रहोगे? और जब तक इतिहास में रहोगे तब तक आप वर्तमान जी नहीं पाओगे और अपना भविष्य बना नहीं पाओगे। मात्र हम बातें करते और बातें करके चले जाते हैं। एक नेता जैसा पत्ते फेंकता है वैसा पार्टियां फेंकता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मेंढक को भी शर्म आती होगी कूदने में, इतने जगह वो कूदता है। और हम फिर महामहिम मुख्यमंत्री करके उनकी आवाज तक करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं? मंगल ग्रह से आए हैं, चांद से आए हैं, ये आप ही में से है। और यदि ये पाप है तो ये पाप ऊपर भेजने का महापाप आप लोग करते हैं और इसके लिए आपको सजग होना चाहिए। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, वो फला बीजेपी है, कहां तक पड़े रहोगे? अरे बिहार राज्य रहना चाहिए तो फिर आप नेता बनो, आप पार्टी चलाओ। जब भारत देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, किस पार्टी को कहां लेके जाओगे? और भारत देश के मायने ये नहीं कि सिर्फ बाउंड्री होती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक बोलने से काम नहीं चलेगा। भारत बनता है भारत की जनता से, जिस जनता के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो, हर एक के ऊपर सवा से डेढ़ लाख दो लाख का कर्ज बनता है। ये देश कब श्रीलंका होगा बता नहीं सकते। श्रीलंका कोई बता के नहीं आया था कि कल श्रीलंका दिवालिया होने जा रहा है। सुबह लोग उठे कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं और पता पड़ता पड़ता आग लग गई और दिवालिया हो गया। वो समय आएगा, बजट आप महिमा मंडित होते हैं कि बिहार को क्या मिला क्या नहीं मिला। बजट ध्यान से पढ़िएगा, जिस बजट में मात्र 34-35 लाख करोड़ रुपए की इनकम है देश की, उसमें से यदि 12 लाख करोड़ सिर्फ ब्याज अदायगी में देना पड़ता होगा तो उस देश की हालत क्या है? कौन सा डेफिसिट 12 लाख करोड़ का है? आपका डेफिसिट 50 लाख करोड़ का है। शर्म आती है बताने के लिए, झूठ 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 परोसा जाता है और फिर हम अपेक्षा रखते हैं निष्कपट पारदर्शी कपटी नेता बैठेंगे तो निष्कपट शासन कहां से आएगा? अंतिम व्यक्ति की बात कब होती है? अंतिम व्यक्ति की बात तब होती है जब चुनाव आते हैं। चुनाव के बाद अंतिम व्यक्ति कहां जाता है? वो तो वही रहता है।
मुझे समझ में नहीं आता, जब भी एक सांसद बनता है, माफ कीजिएगा मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जब भी एक सांसद बनता है, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। पहली बार सांसद बनता है, अपना फॉर्म भरता है, दूसरी बार जब सांसद रिपीट होता है तो फॉर्म भरता है, 5 साल में उसकी इनकम, उसकी प्रॉपर्टी 16 गुना बढ़ती है। क्या करता है वो? मैंने तो एक दिन कहा था कि हमारे सांसदों को सारे IIM में भेज देना चाहिए, सारे मैनेजमेंट में फैकल्टी होनी चाहिए। हमें आज तक समझ में नहीं आता कि इतना कैसा प्रॉफिट आ रहा है, 16 गुना कैसी हो रही है प्रॉपर्टी। तो कभी कभी किसी ने सवाल पूछे, हम क्यों नेता को भगवान मानते हैं? हम भगवान है और नेता हमारा पुजारी है। यदि हम ये कहे और ये सोच के साथ चले तो ये नेता अवकाश में रहेंगे, तो फिर ये निष्कपट करना भी बंद कर देंगे। गाय भैंस ढोर समझते हैं मतदाताओं को, हाँकते हैं जैसा चाहिए वैसा, और उसके हाँकने से हम चलते हैं। कोई पूछने वाला नहीं। आज मैं आता हूं, टाइगर आ रहा है, दहाड़ता है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिर्फ ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा हूं। यदि इस देश में ईमानदारी से पत्रकारिता करने पे आपका स्वागत होता है तो लानत है ऐसे देश पे। पत्रकारिता तो ईमानदारी से ही होनी चाहिए। आपका ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बिना एक्सीडेंट करके चलाता है, तो उसका तो स्वागत नहीं करते आप, क्योंकि ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, पत्रकारिता का काम है पत्रकारिता करना। तो कुल मिलाकर, और ये गंदगी सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं आई है, ये समाज के हर अंग में आई है। हम जब संविधान की बात करते हैं तो पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने, जो कांग्रेस, मतलब इन दो राज्यों ने सही मायने में नकेल डाली है इस तानाशाही प्रवृत्ति को, और 240 पे लाके टपका है, जो बैसाखियों पे चलने के बाद भी अपने आप को शेर मानता है। ये निर्लज्जता का अमृत काल चल रहा है। बैसाखी पे चलने वाला आदमी भी अपने आप को पहलवान समझता है और हम तालियां बजाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। कोई कहता नहीं उसको कि अरे भाई विकलांग है यार, आराम से बैठ, कोटे में कुछ खा ले पी ले, हम पे मत ये कर। तो क्या हुआ? सब दूर एक ही बात हो रही है, विपक्ष ने गलत नरेशन सेट किया। विपक्ष झूठ बोल रहा था कि हम संविधान बदलेंगे। विपक्ष ने कहा कहा संविधान बदलने वाला, क्यों कहेगा विपक्ष? आपके नेता, बड़े बड़े नेता टीवी पे और मीडिया पे बाइट देके कहते हैं कि 370 आने पे हम संविधान बदलेंगे। आपका आर्थिक सलाहकार, जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है, वो इतना बड़ा लेख लिखता है और उसमें कहता है कि बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान कूड़ेदान में डालने लायक है, इसकी कोई जगह नहीं है, अभी इसमें बदलाव की कोई चांस नहीं है, वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसके मायने हैं फिर से एक नया संविधान लिखना पड़ेगा। क्या होगा संविधान? बाबा साहब का संविधान यदि आज कूड़ेदान में डालने लायक है तो फिर इनका संविधान क्या होगा? मनुस्मृति लागू होगी। क्या मनुस्मृति लागू करना चाहते हो? एक तरफ बाबा साहब आंबेडकर की जय जयकार करते हो, दूसरा आदमी बोलता है कि बाबा साहेब आंबेडकर का संविधान जो है कूड़ेदान में डालने के लिए रखा है और उसके लिए कोई बोलता भी नहीं। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य था कि वो बोलते कि ये जो तमाम लोग बोल रहे हैं नालायक है, इनको पार्टी से मैं निकाल देना चाहता हूं ना। वो भी देख रहे थे कितना चलता है और जब गले में फंस गया तो बोलने लगे ना ना ना, हम नहीं बदलने देंगे संविधान। लेकिन लोगों को मनीषा समझ में आ गई थी थोड़ा। यदि पूरा इंडिया गठबंधन में कोई कमजोर पड़ा होगा तो माफ कीजिएगा, किसी ने कहा कि कांग्रेस के बहुत ज्यादा लोग हैं यहां पे, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं, लेकिन यदि आज ये बैसाखियों पे भी बैठी हुई सरकार है तो इसके लिए मैं कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं। और एक कांग्रेसी उन्हें सुन लेना चाहिए, 10 राज्य थे, कांग्रेस ने 100 सीटें हासिल की है मित्रों, 100 में से सिर्फ 28 सीटें कांग्रेस की है, बाकी उधार का सिंदूर है। कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम,
ये 10 राज्य है जिन 10 राज्यों में सीधा बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इन 10 राज्यों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 36। और वो 36 में से राजस्थान की जो 8 सीटें हैं वो वसुंधरा जी की गिफ्ट है। यदि कांग्रेस के औकात होती वहां सीट लेने की तो कांग्रेस अशोक गहलोत अपने बेटे को जितवा लाता। ये इनकी कमजोरी है। बिहार में जो कांग्रेस को थोड़ा बहुत मिला वो भी दूसरे की कृपा है, नहीं तो आपके अध्यक्ष भी अपने बेटे को चुनाव जितवा के लाते। अभी बोला किसी ने कि आप ही ने बोला कि हमारे हम अध्यक्ष थे ये और अध्यक्ष अब किसी और को बना दिया गया है। अध्यक्ष बना दिया गया है कि अध्यक्ष पद बेचा गया है ये भी देखना होगा। जब हमने कहा कि 100 सीटों पर इतराओ मत, तुम्हारा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? इन 10 राज्यों में 28 सीट लेके आते हो, इसके जगह आप 48 सीट लेके आते 10 राज्यों से। आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, लेकिन सुनने को कौन तैयार है? भाजपा खासकर 2014 के बाद जो पार्टी बदली है, मैं 30 साल से दिल्ली में पार्टियां कवर करता हूं, मैंने देखा खुशाबू ठाकरे की भाजपा देखी, मैंने अटल जी अडवाणी जी की भाजपा देखी, और 2014 के बाद मैंने भाजपा देखी। 2014 की भाजपा, इसका ना चाल है ना चरित्र है ना चेहरा है, इसका एक ही मोटो है, एन केन प्रकरण सत्ता हासिल करनी है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, मैंने तो कहा था कि प्रधानमंत्री सिर्फ मुझे 1 महीने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अशोक वानखड़े के अंडर कर दे, मैं नरेंद्र मोदी की पूरी कैबिनेट मेरे दरवाजे पे खड़ा कर दूं, ये तो पत्रकार ना छोड़ दूंगा क्योंकि दूध के धुले ये भी नहीं है। अमित शाह जाके बोलते हैं कि शरद पवार सरगना, माफियाओं को भ्रष्टाचारियों के सरगना, यकीनन थे, लेकिन अभी सरगना सरगना रह गए, पूरे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए। मुझे एक बार राहुल जी ने हंसते हुए कहा था कि सभी विरोधी पार्टियों को तो मोदी जी का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए, तो मैंने लगा किस लिए? बोले सभी राजनीतिक दलों का डिटॉक्सिकेशन किया है, सारा विष हमारे अंदर का था वो सब अपने साथ इकट्ठा कर लिए गए हैं, अब हम जो है थोड़े से क्लीन सब लोग बैठे हैं। तब हमने कहा राहुल जी को कि यह आपकी गलतफहमी है कि आपका डिटॉक्सिकेशन हो गया है और वो लोग चले गए हैं। मैंने बोला मुझे दया आती है आप पे। बोले भाई सो। मैंने बोला इसलिए कि ये पद यात्रा चलते हो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर क्या किसके लिए? बोले पार्टी के लिए। मैंने कहा है पार्टी? वेर इज योर पार्टी? बोला व्हाट नॉनसेंस, हाउ मेनी पीपल इन द पार्टी? बोले दे आर ऑल बीजेपी स्लीपर सेल, ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के पेड़ एजेंट है, इट कांट बी। मैंने आई विल टेल यू, मैंने 2 नाम बताए उनको, वो शॉक्ड रह गए। मैंने प्रूफ के साथ बताए, बट ये ऐसा क्यों करता है? मैंने पैसा मिलता है इसलिए करता है। मैंने बोला मैं 1000 नाम ले सकता हूँ राहुल जी, यही बैठे बैठे पूरे महाराष्ट्र तमिलनाडु से चालू हो जाऊंगा, आपका कर्नाटक होते हुए पूरा इंडिया बता दूंगा आपको। चुनाव का समय है, डिप्रेशन में आ जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप डिप्रेशन में आ जाए। वो बोला हाँ हाँ ठीक है, बात करते हैं। अभी क्रांति की बात हुई, मुझे समझ में नहीं आता इतने पुल गिर गए बिहार में, है ना? बिहार में एक अधिकारी है, क्या रेड पड़ती है, और बिहार के कई नेता रात को सोचते हो कि इतना पैसा था कहाँ? हमको तो मालूम था कि चारे में ही है, ये तो पैसा कई जगह से निकला जब हंस साहब के रेड हुई तो। जो आदमी व्यभिचारी हो, जो आदमी भ्रष्टाचारी हो, वो सत्ता के नजदीक क्यों रहता है? सत्ता को यदि भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी अधिकारी चाहिए तो फिर सत्ता का चेहरा दूसरा हो ही नहीं सकता, वो उससे भी ज्यादा घिनौना भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी है। क्या ये मानने के लिए तैयार हुआ? एक सुशासन बाबू बस एक नाम लगा दिया और उसी पर टाली पीटते रह जाते हैं। क्यों नहीं क्रांति होती? जो पुल गिरा क्या उस कंपनी में हंस साहब के शेयर नहीं थे? क्या हंस साहब कंपनी में शेयर लगा के उसको काम नहीं दिलवाता था?
और गिरवाने वाला पुल बनाता था। 18 पुल गिर जाते हैं। क्यों? बिहार में क्या हो गया? कहां गई वो आग? एक जयप्रकाश नारायण पैदा नहीं हो सकता बिहार में? क्यों हो रहा है? आज मैं उस बिहार को देखने आया हूं जिस बिहार पे मैं इतराता था। मैं महाराष्ट्र से आता हूं और जब राज ठाकरे और इन लोगों ने बिहार और यूपी के खिलाफ आग उगलना शुरू किया तब मैंने सबसे पहले कहा, इतिहास में जाके देखिए, मुंबई का इतिहास यदि आखिरी तक जाते देखते हो तो सम्राट अशोक के अधीन था मुंबई का क्षेत्र एक समय में। पहले ओरिजिनल उनका है। और मराठे ने क्या किया मुंबई में बताइए मुझे। मेरा खुला सवाल, पूरी मुंबई बनाई है पारसियों ने, मराठी जाके सिर्फ बैठ गए वहां पे। यदि बिहार और यूपी के लोग अपने प्रदेश वापस आ गए तो तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक जितने बड़े प्रदेश है जो इतराते हैं औद्योगिक विकास के लिए, हमारे यहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, सब धरे के धरे रह जाएंगे। मुंबई में खाना नहीं मिलेगा और पीने को पानी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर सवाल यह है कि वो ऐसा क्या है बिहार का आदमी जो बिहार में काम नहीं करता और बाहर जाके काम करता है? क्यों, किस लिए? कोई ऐसा तो काम नहीं करता वहां पे कि आईटी स्पेशलिस्ट है। आज कॉल सेंटर का सर्वे कीजिए, पूरे देश के कॉल सेंटर में हर तीसरा लड़का या लड़की आपको बिहार और यूपी से मिलेंगे। कॉल सेंटर के लिए क्या चाहिए? किसने कहा बड़ा शहर चाहिए कॉल सेंटर के लिए? कॉल सेंटर के लिए एक बिल्डिंग चाहिए और वहां डाटा सिस्टम की बेहतरीन व्यवस्था चाहिए। आपको यदि वहां पे डाटा मिल जाए तो ये कॉल सेंटर बिहार के किसी कोने से भी चल सकता है, चंपारण से चल सकता है। लेकिन आप बजट में क्या मांगते हैं? एक्सप्रेसवे। पटना से किसी भी जिले में जाओ तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं भुगत भोगी हूं एक्सप्रेसवे का। मेरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे बने हैं। मुंबई पुणे बना क्योंकि ट्रैफिक बहुत जबरदस्त था, लाखों गाड़ियां आती थी पुणे से, लोग काम करने आते हैं। लेकिन फिर एक नया एक्सप्रेसवे बना समृद्धि, मुंबई टू नागपुर, उसमें कुत्ता नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी आके झेंडी दिखा के चालू करवा गए, नागपुर से शिरडी तक का पैच चालू हो गया। 2 दिन बसी गई, बसों ने जाना बंद कर दिया क्योंकि टॉल इतना था कि पैसेंजर की हाफ हाफ में लगे पैसेंजर, बोले पुराने रूट से चलो शिरडी जाना है। फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें खाली जब गई तब वो भी बंद हो गई। आज हमारे देवेंद्र फडणवीस कभी कभी मर्सिडीज एक बिल्डर की लेके उस पर ड्राइव करके देखते हैं, वो टेस्ट ड्राइविंग का रोड हो गया, हजारों करोड़ रुपए लगे। एक्सप्रेसवे के आजू बाजू कभी उद्योग नहीं बनते क्योंकि एक्सप्रेसवे दोनों तरफ से बाड़ा बंदी के साथ चलता है, एक करोड़पतियों के चोचले हैं। बिहार के मुंह पे आपने 3 एक्सप्रेसवे फेंक के मारे और कहे कि हमने इतना हजार करोड़ रुपए दिया। अरे जो चाहिए वो दो ना, खाने को रोटी चाहिए, काम हाथ हाथ को काम चाहिए। और एक आप ही के नेता है, सिंगल पार्टी सिंगल एमपी कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने अपने यहां से वो कर दिया कॉरिडोर। अरे भी गया में कितना टेम्परेचर होता है, कौन जाएगा वहां इंडस्ट्री? वहां सीमेंट इंडस्ट्री लगेगा लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए सतना पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश का सीमेंट कैपिटल, वहां दोनों टाइप का रॉ मटेरियल उनको मिलता है, वो क्यों जाएंगे यहां पे? ऐसी कॉरिडोरों की घोषणा होती है। इसी बिहार में वो भी देखा है कि 1,000 दू 2,000 दू 1,00,000 दू, कहां आ गया पैसा? लेकिन चंद नेता अपने स्वार्थ के लिए यदि बिहार को रोज बेच रहे हैं और हम आराम से देख रहे हैं, और जब भी बात करते हैं तो एक समय था कि बिहार में क्रांति होती थी, एक समय था बिहार का इतिहास ऐसा था, क्या चाटे उस इतिहास को। मैं भी छत्रपति महाराज का इतिहास सुना सकता हूं, लेकिन जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को पत्र लिख के कहा था संभाजी को, आर्काइव्स में पत्र है, वो उन्होंने कहा था कि ये हिंदवी स्वराज्य है, हिंदू स्वराज्य नहीं, ये हिंदवी है जिसमें सभी लोग रहेंगे। और यदि इस स्वराज्य को टिकना है, टिकाना है, तो मराठे और ब्राह्मणों पर विश्वास मत रखना।
मराठी जागीर मांगते हैं और ब्राह्मण वतन मांगते हैं। 12 बरूतेदार यानी 12 कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से लेकर ओबीसी तक, इन्होंने मेरा राज्य बनाया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि उन्होंने जब 13 साल की उम्र में पहला किला हासिल किया, उसमें खुद को छोड़ के एक भी मराठा नहीं था। जो आदमी अपनी राजधानी बनाने के बाद आर्किटेक्ट ने जब कहा कि ये मंदिर और इस मंदिर से एक अलग रास्ता सीधा आपके महल से जाता है, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बनाया, मस्जिद कहाँ है? उन्होंने कहा कि महाराज मस्जिद क्या करूं? बोले मेरे अंगरक्षक 8 मुसलमान हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेरे फौज में 60,000 पठान है, वो कहाँ जाएगा? और आज आप शिवाजी महाराज के नाम से बोलते हो कि मस्जिद तो उस शिवाजी महाराज का अपमान, मतलब मान नहीं दे सकते हो, अपमान मत कीजिए। जयप्रकाश नारायण जी का नाम मत कीजिए, क्योंकि आप यदि उनको नाम नहीं दे सकते तो अपमान मत करिए, क्योंकि जब जब हम जयप्रकाश जी का नाम लेंगे हम उनका अपमान करेंगे, क्योंकि जयप्रकाश आज होते तो शायद आज फेल हो जाते, क्योंकि चिंगारी कितनी भी तेज हो कुछ तो नीचे मटेरियल में जान चाहिए जलने के लिए। जब नीचे मुर्दे ही पड़े हो तो जान कहां से आएगी? और इन मुर्दों को जगाने का काम किसका है? आप लोगों का है, आप प्रबुद्ध नागरिक हो, आपको पता है बिहार को क्या चाहिए, बिहार को क्या मिला। बस आप सुने, भाषण करे, अशोक वानखेड़े का वीडियो देख लिया, उसने गाली दे दी, तालियां बजा दिया, वो गाली दे के निकल जाता है, वो कर देता है, डिफरेंस क्या है? क्रांति होनी चाहिए। जब मैंने महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं मराठी हूं, मराठी बोलना जानता हूं, जब महाराष्ट्र में मुझे कहा गया कि इस चुनाव में वहां पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, क्या आप हमारे लिए भाषण देंगे? मैंने बोला समय निकाल के दूंगा। तो एक मैंने बोला मैं किसी राजनीतिक दल के पे मंच पे नहीं चढ़ूंगा। तो निर्भय बनो विचार मंच स्थापित हुआ और पूरे महाराष्ट्र में सभाएं ली हमने। और मैं गर्व के साथ कहता हूं क्योंकि लोगों ने सुना तो कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 17 सभाएं ली, 14 जगह हार गए। एक रोड शो किया गुजराती एरिया में, वह 28,000 से हार गए। जो 3 जगह जीत गए वो एक एकनाथ शिंदे का बेटा था, उसको जीतना था। एक पुना की सीट थी, वो ओरिजिनल उनकी ही सीट थी। और एक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज लड़े थे बीजेपी से, वो 2 सिंबल सिमिलर हुए, उस कंफ्यूजन में जीते। तुतारी और पिपाणी, ये 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, एक शरद पवार का था और एक इंडिपेंडेंट का था, जिस इंडिपेंडेंट को कोई जानता नहीं था, वो 38,000 वोट लेके गया और महाराज 32,000 से जीते। ये उनका स्ट्राइक रेट है। मैं व्यक्तिगत 7 जगह गया, 7 सीट आई। उसके बाद उस विचार मंच पे टोटल 40 सभाएं हुई, इंक्लूडिंग मेरे साथ, और उसमें से 38 जीते हैं। लोग सुनते हैं, लोगों को समझाने वाला चाहिए। आप समझाते नहीं हो, ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम सेमिनार करते हैं, सेमिनार से चले जाते हैं, और डरना किस बात? कोई कहते कि मैं एक हिंदू हूं और मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूं, मुझे शर्म नहीं है, मैं रोज पूजा भी करता हूं, और मुझे विश्वास है कि जब मेरा होगा तो मैं बात देते देते गिर जाऊंगा, आप कुछ नहीं करोगे, और जब मेरी जिंदगी होगी तो ये गुजराती कई ढोकले फेंक के मारेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। तो इस व्यवस्था के साथ आ रहा हूं मैं। और यदि लोग आपको प्यार करते, मोहब्बत करते, तो ये बात मानो, लोगों के दुआओं में भी ताकत होती है। आज जब एक जगह किसी ने फेक न्यूज चला दी थी कि अशोक वानखेड़े का देहांत हो गया, उसके बाद जो सैलाब उमड़ा, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरी शौर्य यात्रा अभी बड़ी ज्ञान निकलेगी। मैंने बोला जिसने भी किया उसने ट्रेनर दिखाया हमारे। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के जो 3 स्तंभ है, ये डिटोरिएशन कहां कहां है? विधायिका में तो मैंने बोल ही दिया किस किस टाइप के लोग आए। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका ने यह बात तय कर ली, वो ब्यूरोक्रेट चले गए, कि जो अपने मंत्री के सामने पैर रख के बोलते थे कि ना, ये गैर कानूनी है, मंत्री उनको बोलता था कि इसको बिठाओ, ये टेंडर मुझे देना है, तो वो बिठाता था। डिटोरेशन वहां से शुरू हो गया। अब मंत्री आते से ही मंत्री को ब्यूरोक्रेट बता नहीं जाता है,
कि सर अपना बजट इतना है मंत्रालय का, उसमें ये डिपार्टमेंट है, यहाँ 30-35% का कमीशन है, वहां से ये घर आ जाता है और अपने सेट लोग हैं, एक बार आपको डिनर पे मिल लीजिए, वो आपके लिए कलेक्शन एजेंट हो गया है। किसी अधिकारी ने नहीं कहा, ये हंस उसी की प्रवृत्ति है, ये जो हंस है ये उसी की प्रवृत्ति है। रामदेव बाबा ने एक दिन मुझे कहा था, आप मुझको ऐसा बोलते हो, मैं तो कभी नोट को हाथ भी नहीं लगाता। अरे मैंने बोला, जिसके यहां बंडल आते हो नोट को हाथ थोड़ी लगाता है, वो मशीन से गिनवाता है। यदि नीतीश कुमार जी कह रहे होंगे कि मैं किसी के पैसे को हाथ भी नहीं लगाता, लगाने की जरूरत ही नहीं महाराज, जब करोड़ों के बंडल निकलते हैं तो मशीन से गिनेंगे, पूरा बिहार लग जाएगा गिनते गिनते, दो दिन में नोट खत्म होंगे। लेकिन ये व्यंग की बात नहीं है, ये वस्तुस्थिति है। यदि कल मैं बोलूं भाई बहुत ईमानदार हूं और मेरा रिपोर्टर कल करोड़ रुपए लेके पाया गया, तो लोग समझेंगे कि अशोक वानखड़े क्या है। बहुत बात करते हैं, कलेक्शन एजेंट उधर बैठा था, विंडो उधर थी, उधर डिपॉजिट करो, इधर काम हो जाता था। और इतने साल से वो अधिकारी था, मुझे अभी भी बैठा है शायद, वे अभी चार के आरोप उस पर लगे। सदन चल रहा था तो सदन के अंदर सब रहा है। ये बिहार कहां गया, वो बिहार का इतिहास लालत इस आज के बिहार को। यदि हम वैशाली की बात करें तो क्या वैशाली के लोकतंत्र में ऐसा ही था कि इधर से मेंढक उधर कूदो, इधर कूदो, रात को किस पार्टी में, सुबह किस पार्टी में, शाम को किस पार्टी में? आज किसी बिहार के नेता के बारे में गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि जब आप बात कर रहे तो इस पार्टी में तो शाम तक काम होगा। उसको यदि बोले कि साहब एक बीजेपी की आरजेडी का कोई स्पोक्स पर्सन चाहिए, आप आ जाओगे? बोले नहीं, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली आधे घंटे पहले। क्या करें, ये इसलिए कर पाते कि इसको पनिशमेंट नहीं देते। ये मतदाताओं का अपमान है। किसने ठेका दिया इनको विचारधारा एकदम बदलने का? विपरीत विचारधारा है। किस जयप्रकाश के आंदोलन से निकला हुआ समाजवाद है ये? कौन से समाजवादी है ये? इसीलिए मैंने कहा कि आज जयप्रकाश नारायण होते तो आंदोलन नहीं करते, वो हिमालय चले जाते। जयप्रकाश जब आंदोलन कर गए तब वो लोग उस टाइप के थे, उन्होंने तब आग लगाई थी और तब लोगों का समर्पण था। आजकल समर्पण मंदिरों में दिखता है, कांवड़ यात्रा में समर्पण दिखता है। आज हमारे बिहार को टूरिज्म के नाम से क्या दिया, लक्ष्मी लोक, विष्णु लोक, विष्णु पाता। अरे टूरिज्म में, पर्यटन में रिलीजन टूरिज्म एक छोटी ब्रांच है, आप उसी को पकड़ के बैठते हो। और बिहार में कुछ नहीं है। एक बार क्लस्टर की बात हो रही थी कि 100 क्लस्टर बनेंगे बिहार में, ये चीज अच्छी है तो सत्तू है तो सत्तू का इंटरनेशनल पैकेजिंग होगा। एक बात है, ये गुजराती सपने बहुत बेहतरीन दिखाते हैं। मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी को राजनीति का मनमोहन देसाई बोलता हूं। नहीं, राज कपूर तो रियलिस्टिक था, मनमोहन देसाई की पिक्चर में मोस्ट केयरलेस आदमी था, हर पिक्चर में बच्चे खो जाते थे, शाम को रात पिक्चर के एंड में बच्चे मिलते थे, और वो फिर एक आदमी को सौ आदमी मारता था, और आदमी 3 घंटे के लिए दिमाग घर में रख के एक पिक्चर देख के बाहर रहता था सुकून से। वो पिक्चर सोचने नहीं देती आपको कि इसका बेटा उसका खस, इसका फिर ओरिजिनल किसका है, फिर आप उसी में उलझे रहते हो। ये है हमारे मोदी जी, ये आपको उलझा के रखते हैं और हम उलझते हैं, ये हमारी कमी है। कोई डरने की बात नहीं, कोई इतने शेर नहीं है कि आप मेजोरिटी का जुगाड़ कर प्रधान राष्ट्रपति जी के पास जाके आप हमारा नेतृत्व करिए। ये आदमी डायरेक्ट एनडीए में घुसा। जो आदमी अपने संसदीय दल को फेस नहीं कर सकता, इससे कमजोर और डरपोक इंसान क्या होगा? और उससे हम डर रहे हैं तो फिर अपने आप को हम क्या कहें? इसीलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल डरने की बात नहीं। तो ब्यूरोक्रेसी पे जब हम बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में क्या है, हंस जैसे कई लोग हैं, हर तीसरा आदमी उठाइए हंस मिलेगा आपको, जो पकड़ा गया तो हंस है, छूट गया तो कोई और। खेमका जैसे कितने लोग हैं कि जो हर तीसरे दिन ट्रांसफर होते हैं, कितने लोग हैं ऐसे? हम तो दिल्ली में बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट रात को हमको अंधेरे में आके मिलते हैं कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि दिन दहाड़े आके कहो कि अच्छा काम कर रहे हो।
क्योंकि उनको अपनी जगह पड़ी है, किसी को दिल्ली छोड़ना नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे अधिकारियों के बच्चे विदेश में हैं। और पिछले 30 साल में जो हमने भ्रष्टाचार का आकलन किया, नेताओं को तो चेंज मिलती है, छुट्टे सारे नोट तो विरोध कैसे खा रही है, क्योंकि नोट खाना भी नहीं आता है, वो भी उन्हीं के भरोसे खाते हैं, तो मलाई मलाई वो खा जाते हैं और सेक्रेटरी का 2 दिन के माथे मारते हैं और इसी में खुश है। आते हैं अब जुडिशियरी पे। एक न्यायपालिका थी जहां विश्वास था, कभी कभी न्यायपालिका भी सांप सीढ़ी का गेम खेलती है। वर्तमान में कभी कभी लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, आदमी ऊपर चढ़ता है और एक झटके से एकदम नीचे, फिर एक प्यार आके छोड़ता है। न्यायपालिका में अभी इंदौर के, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर हाईकोर्ट है उसका इंदौर का बेंच है, वहां पे एक बेंच ने डिसीजन दिया और देखिए न्यायपालिका कहां जा रही है। पिछले साल एक रिट पिटीशन फाइल हुई इंदौर बेंच पर कि केंद्रीय कर्मचारियों को, जो सरकारी कर्मचारी है, इनको संघ के कार्यक्रम में जाने की अनुमति दी जाए। 9 जुलाई को एक नया ऑर्डर आया जिसमें संघ निकाल दिया गया, मतलब संघ में जा सकते हो। तो ये रिट पिटीशन तो उसी दिन कैंसिल हो जाती है, कोई मायने नहीं रह गए। आप परमिशन मांग रहे थे, परमिशन दे दी सरकार की, खत्म। नहीं, न्यायाधीश ने उस पर भी निर्णय लिया। उन्हें कहा कि न्यायपालिका माफी मांगती है जनता से कि पिछले 50 साल से संघ के कार्यक्रम में जाने से अधिकारियों को वंचित रखा, न्यायपालिका माफी मांगती है। और जो सर्वोच्च काम संघ करता है, विश्वविख्यात सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे न जाने के कारण इस देश के लाखों सरकारी कर्मचारी राष्ट्र का काम करने में नाकाम रहे, देश सेवा करने में नाकाम रहे। मैंने बोला कि अब चाहे कोर्ट सजा दे, मैंने बोला महामहिम छोड़ दीजिए ना, ये ज्वाइन कर लीजिए संघ जाके, किसने रोका आपको? न्यायपालिका का कोर्ट, मुझे कोर्ट की जो है कार्यवाही संघ के शाखा से मत करिए और न्यायपालिका में शाखा मत लगाइए, यह एहसान कीजिए। यदि इस देश का सैनिक देश पे रक्षा करते करते शहीद होता है, वो देश सेवा नहीं है, क्योंकि वो संघ के शाखा में जाने से वंचित रहा। किस जुडिशियरी से क्या अपेक्षा करें? एक जज नौकरी छोड़ के तुरंत बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतता है, जो इतना घोर बीजेपी के मानसिकता का होगा, उसने क्या उस चेयर पे बैठ के ट्रांसपेरेंसी के साथ निर्णय दिए होंगे? अच्छा, वो इतना बदिमाग इंसान है कि एक हाईकोर्ट का प्रैक्टिसिंग जज लोकसभा में आता है तो थोड़ा तमीज से बात करे। 3 बार हंगामा करवाया उसने पार्लियामेंट में और 3 बार स्पीकर को बोलना पड़ा कि ये अपशब्द मत उपयोग में लाइए। तो ये अनपढ़ तो मैं कहता नहीं, क्योंकि हमारे एक मित्र है अनिल जैन, वो भी समाजवादी है, समाजवादी विचारधारा के। एक दिन हमने कहा कि अनपढ़ और पढ़ा लिखा अनपढ़, बोले नहीं, आप अनपढ़ मत करिए, इस देश का किसान अनपढ़ होता है लेकिन हवा का रूप देख के बताता है कि आज बादल बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे। तो मेरे किसान, आप मेरे लोगों को गाली मत दीजिएगा। तो मैंने, फिर ये क्या है? बोले कूपड़ है, पढ़ा लिखा अनपढ़ और कूपड़, ये पूरी कूपड़ जमात है, ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, जो पढ़ा वो गलत पढ़ा। तो अनपढ़ को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता और पढ़े लिखे को बोलते हैं कि तुमसे बड़ा मैं हूं, एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस। तो ऐसे न्यायपालिका से क्या अपेक्षा की जाती है? एक यूपी में अभी एक लोअर कोर्ट ने, पुराना केस था, उसमें कहा कि योगी ही सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री हो सकते थे यूपी में और है, क्योंकि जो दार्शनिक है, जो धार्मिक है, वही अच्छी सत्ता चला सकता है, ये
सेशन कोर्ट का जज अपने निर्णय में लिखता है क्या कहें। एक सुप्रीम कोर्ट का जज गुजरात में किसी फंक्शन में जाता है और कहता है कि यदि इस देश को भगवान ने कुछ दिया है तो नरेंद्र मोदी दिया है। क्या अपेक्षा रखी इन लोगों से। हम भी व्यक्ति हैं, हम भी मतदान करते हैं, हमने भी मतदान में किसी एक को तो चुना होगा, लेकिन जब पत्रकारिता की चेयर पे बैठे पत्रकार की जब अपना दायित्व हम निभाते हैं तो फिर हमें वो भूलना चाहिए कि हम कौन है। और यदि हमको इस देश का अंतिम व्यक्ति दिखाई देता है, हमको लगता है कि वो अंतिम व्यक्ति ही आपका टारगेट है, उसके उत्थान में थोड़ा बहुत आप मदद कर सकते हैं, तो फिर उसकी लड़ाई लड़नी होगी। और उसकी लड़ाई लड़ने का मतलब वामपंथी नहीं है। आजकल इंसान के लिए लड़ने वाला आदमी भी वामपंथी घोषित कर देते हैं, और ज्यादा और जोर से लड़े तो फिर पाकिस्तानी और चाइना घोषित कर देते हैं। तो मेरी सुबह से शाम तक 4-5 बार तो मेरी पार्टी बदलती है। सुबह मैं संघी रहता हूँ, दोपहर तक मैं कांग्रेसी हो जाता हूँ, शाम को समाजवादी हो जाता हूँ, और रात तक लेफ्टिस्ट हो जाता हूँ, और दिन में 2-3 बार चाइनीज पाकिस्तानी बन जाता हूँ। लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं, समाज में ये लोग होंगे। कुत्ता भोंकते हैं तो हाथी तो चलता ही है ना, तो इन कुत्तों के भोंकने के ऊपर नजर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों को जो मैंने बताया, तीनों और एक चौथा स्तंभ जबरदस्ती अपने आप को हम कहते हैं, तो ऐसा कोई संविधान में चौथा स्तंभ नहीं है। हम मीडिया अपने आप को जबरदस्ती घुसेड़ दिया कि हम ही चौथा स्तंभ है। वो चौथा स्तंभ में इतना गंदगी आ चुकी है कि खुद को पत्रकार कहने में भी अब शर्म आने लगी है। पत्रकारिता अब रखेल बन चुकी है सत्ताधीशों की, सत्ता के गलियारों में, सत्ता के दरबार में घुंघरू बांध के नाचते हैं लोग। ठीक है, नाच ले, लेकिन उनके घुंघरुओं के खनखनाहट के आगे यदि एक भी आवाज हुंकार भरे तो लोग सुनने के लिए आते हैं, लोग सुनते हैं। वो घुंघरू की आवाज तेज कर रहे, इसलिए हम चुप नहीं रह सकते, हमें बोलना होगा। जो होगा भगवान के हाथ में है। किसी ने कहा कि अभी पेशेंस होने चाहिए, मैं बोलता हूं पेशेंस की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पेशेंस रखोगे तो ये आदत बन जाएगी, बन चुका, और फिर भूल जाओगे कि हम क्या हैं। अब ये समय पेशेंस का नहीं है, ये समय अपने आप को उद्विलित करने का है। क्रोध आना चाहिए, इंसान है तो क्रोध आना चाहिए। ये क्रोध ही बदलाव की नींव डालेगा, और ये क्रोध तब आना चाहिए जब समाज में कुछ गलत हो रहा है, मेरे प्रदेश के साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे देश के साथ कुछ गलत हो रहा है, मात्र अपने आप में नहीं, आपके पार्टी में कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल। और 2014 के बाद तो सारी पार्टियां बदल गई, मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको। एक राजनीतिक दल नहीं है जहां बीजेपी का स्लीपर सेल नहीं है, हर राजनीतिक दल में बीजेपी के लोग घुसे हैं। अरे आपके यहां तो कार्यकारी अध्यक्ष ही बन गया पार्टी का, तो ये जनता को देखना है। नेता तो अपने सहूलियत से करते हैं, जनता को ये देखना है कि हमारे लिए कौन काम करेगा। वो मेरा सांसद है, वो मेरा विधायक है, वो मेरा कारपोरेटर है, उसको मैं यदि मेरे काम नहीं आएगा तो फिर इस किस काम का। सड़ा हुआ आम हम उठा के फेंक देते हैं, नहीं तो पूरी आम की टोकरी सड़ जाती है। समय आया है कि सड़ा हुआ आम उठा के ठोकने का, फेंकने का। फिर ये सड़ा हुआ आम नहीं, अभी इसको फ्रिज में रखेंगे तो कुछ दिन ठीक रहेगा, या थोड़ा सा छांट देंगे तो बाकी बचा रहेगा। दोस्तों पूरी आम की टोकरी खराब हो जाएगी, उस दिन बहुत पछताओगे। इसलिए आप पेशेंस की जरूरत ही नहीं है, पेशेंस छोड़ दीजिए। पेशेंस रखोगे तो पेशेंट बन जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। और आधा देश पेशेंट बन चुका है, कोई राम नाम की दवाई खा के पेशेंट बना है, कोई अल्लाह अकबर के नाम से पेशेंट बना हुआ है, कोई अंबेडकर बाबा के नाम से पेशेंट बना हुआ है। उनको मालूम नहीं अंबेडकर बाबा क्या है, दे नाम जप ले। दो कावड़ियां दारू पीने के चक्कर में दारू की दुकान पे लड़ लिए और आपस में मर गए, बताओ। ये कावड़ियां हैं, ये जल चढ़ा रहे थे कि दारू चढ़ा रहे थे भगवान को। हमारे उज्जैन में एक भैरू बाबा है, वहां पे दारू चढ़ती है, शायद उसी के चक्कर में ये गए होंगे, क्योंकि जस्टिफाई उसको भी किया जाता है कि वो दारू अपने लिए नहीं चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे,
आप गलत हिंदू धर्म को गलत कहते हो, तो लगातार षड्यंत्र होते रहेंगे, लगातार झूठ परोसता जाएगा। और खासकर मैं तो नाम लेके बोलता हूं, जब तक ये दो गुजराती दिल्ली में हैं, ये जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए, तो इसको फिल्टर लगाइए, ये जो भी बोलता है बिल्कुल विश्वास मत रखिए। यानी बिहार का उन्होंने क्या, बिहार को गड्ढे में फंसा दिया है। वो एक्सप्रेसवे का पैसा भी नहीं आएगा, लिख लीजिए मुझे, आप भी यही है, हम भी यही है। और वो कॉरिडोर बनेगा, जमीन ली जाएगी, उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा मार्जिन मिला जाएगा। पहले नेता ही वहां की जमीन खरीदेंगे, फिर वो सरकार को बेचेंगे, उसका बड़ी हेवी मुआवजा लेंगे, वह कॉरिडोर घोषित करेंगे। एक उद्योग नहीं आएगा। बोलेगा इतना दिया था, 58,000 करोड़ दिया था। अरे कौन सा गणित भाई, खुद ही जोड़ते हो, खुद ही माइनस करते हो। पूरे बजट में एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां पैसा काटा नहीं। आप पेट्रोल खरीदने जाइए, आप बोले यार इतना महंगा पेट्रोल हो गया, अंधभक्त आता है, 500 रुपए लीटर हो गया तो भी खरीदूंगा। देश की फौज के लिए पैसा चाहिए, डिफेंस का बजट काट दिया। एग्रीकल्चर का 7,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, और सब्सिडी फर्टिलाइजर की 28,000 रुपए काट दिया। महिलाओं के लिए मेरी बहना ये वो, महिलाओं के लिए कटा है, पोषण बजट कटा है। एक सोशल सेक्टर नहीं जहां बजट कटा नहीं होगा। गया कहां, कॉर्पोरेट सेक्टर गया कहां, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। निवेश चाहिए, निवेश नहीं चाहिए। मेरे देश के लोग यदि दोनों हाथ से काम करने लगे तो हम पूरे विश्व को अनाज दे सकते हैं, हम पूरे विश्व को निवेश दे सकते हैं। इस देश में निवेश की कमी नहीं होगी, कमी विश्वास की। किस विश्वास के साथ निवेश करेगा कोई? मैं एक अमेरिका में सिलिकॉन वैली में बहुत अच्छा काम कर रहा था, एक लड़का, मराठी लड़का, वो ऐसा ही सब कुछ वहां दोस्त के हवाले करके इंडिया आया कि मैं मेरे गांव का उत्थान करना चाहता हूं, सरपंच बना गांव का, फिर वो जिला परिषद का सदस्य बना, उसको लगा ये करे। और तो अमेरिका से आया था तो सारे नेता भी मंत्री भी मिलते थे। उसके बाद उसको समझ में आ गया 10 साल बाद कि ये कुछ नहीं हो सकता, वो वापस अमेरिका गया। अब उस दिन मुझे मिला तो मैंने कहा क्या कर रहे हो अभी, बोले एक प्रोजेक्ट डाला है, मल्टीमीडियल प्रोजेक्ट है। मैंने बोला क्या प्रोजेक्ट है, उसने मुझे प्रोजेक्ट बताया। बोले तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, एनर्जी का प्रोजेक्ट। बोले हाँ। बोले 1800 एकड़ जमीन नागपुर के पास ली है। मैंने बोला यार इतना कर रहे, किसी को बताया कि नहीं? ना 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 ना, आप भी जिक्र मत करना, वीडियो वीडियो मत इसका करना। मैंने क्यों? अरे बोले अभी हमारा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, अड़ा नहीं आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, हम भी बोले कोई एक नया लाइसेंस लगा देंगे कि इसके बगैर तुम नहीं कर सकते। और वो लाइसेंस सिर्फ अड़ानी को मिलेगा, हम फिर हमारा प्रोजेक्ट अड़ानी को बेचना पड़ेगा। ये है निवेश की इस देश में स्थिति, और ये प्रैक्टिकल है। तो जिस देश में सिर्फ मैं और मेरे करण अर्जुन के लिए ही काम हो रहा होगा, मैं दो और मेरे दो से ही कहता है राहुल गांधी, उन्हीं लिए काम हो रहा होगा। तो एक बात नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कही, और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट कहता हूं। वो बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, उसके मायने हैं कि आत्मनिर्भर बनो, मेरे भरोसे मत रहो। तो ये समय आया है आत्मनिर्भर बनने का। तो आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर हम सिर्फ काम से नहीं बनेंगे, हम हमारे मतदान करते समय भी आत्मनिर्भरता से मतदान होना चाहिए। जो सांसद आपका हो किसी भी राजनीतिक दल का, लेकिन औकात इतनी होनी चाहिए कि उस सांसद को आप बुलाए, ये हो रहा है गुरुजी, आप जा नहीं सकते दिल्ली, पहले ये रोड ठीक करो। आप मंगलयान की बात करते हो, 18-18 किलोमीटर लोग बांबू पे वो झोला बना के अपने बाप को हॉस्पिटल में ले जाता है प्रसूति के लिए, महिला को 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर एम्बुलेंस की जगह बॉम्बुलेंस चलती है इस देश में। हम मंगलयान पे, मैं कई लोगों को कहता हूं कि क्या ऑस्ट्रेलिया वाले मंगलयान नहीं भेज सकते क्या? लेकिन उनको मालूम है मंगलयान जाने से क्या हुआ। वो पैसा पहले ऑस्ट्रेलिया में लगाओ, काम पे लगाओ, लोगों के भला करो। आप मंगलयान भेज रहे हो और यहां लोग 3 किलोमीटर दूर नहीं जा पा रहे, कीचड़ में रहते हैं। वर्धा के पास एक गांव में 1000 बस्ती का गांव है। अब नेताओं के लिए क्या है, 1000 बस्ती का मतलब ज्यादा वोट नहीं है, तो निगेट कर दिया। एक नाला था वहां पे, नाले में हर साल 4-5 लोग बह के मर जाते। गांव ने पिछले 5 साल से पैसा इकट्ठा कर करके 10 लाख रुपए का पुल ही बना दिया। जमनालाल बाजार सेवा संस्थान ने उनको मदद की। ये है ना आत्मनिर्भरता, वो करना पड़ेगा। अब जब वो लोग कह रहे थे, मैं जब उस गांव गया, उन्होंने कहा कि अब इस चुनाव में विधानसभा के आने दो, किसी को वोट मांगने
इसी पुल पे मारेंगे जीतने से। 40 साल से एप्लीकेशन लगा रहे, 3 बार प्रस्ताव पारित किया ग्राम पंचायत ने, फिर भी नहीं कर रहे। जब हमने ही किया तो तुम्हारी गलत क्या है, और तुम्हें आज हमारी गलत क्या है तो मेरे लिए क्या। तू पहले 10 लाख रुपए जमा कर इधर सर ग्राम पंचायत में जो हमने इकट्ठा किया, तब उस पुल से आ। बोले हम टोल लगाएंगे नेताओं के लिए पुल पे, ये पुल हमारा है, अब नेता नहीं इस पे आ सकता। ये चिंगारी है, इससे सबक लेना चाहिए। और बाकी मैं भी बहुत लगातार ट्रैवल कर ही रहा हूं, तो मैं भी थक गया हूं, और फिर कल सुबह से फिर मीटर डाउन ही है। तो अंत में मुझे एक राहत इंदौरी का शेर आता है कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं कि सफलता, लोकतंत्र, निष्कपट शासन, और फिर संजीव जी क्या है समाज की। संजीव जी कुछ नहीं है, पूरे कुएं में भंग गिर चुकी है, ये कुआं बुझाना पड़ेगा, नया कुआं खोदना पड़ेगा। क्योंकि राहत भाई कहते हैं, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो कभी नहीं हुआ वो अखबार में छप जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो कभी नहीं हुआ वो अखबार में छप जाएगा। चोर उचक्कों की कदर करना सीखो, पता नहीं कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। ये हर साल अगली बार जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा गए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं ट्रस्ट का कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बुलाया। बाकी मैं आप ही में से एक हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, सिर्फ मुझे बोलने का प्लेटफॉर्म मिलता है और मैं दिल खोल के बोलता हूं। मैं जो बोलता हूं वो मेरा अपना नहीं होता, आप ही की वेदनाओं को शब्द देने का प्रयास करता हूं। और आपका प्यार और स्नेह यही मेरी ताकत है, यही मेरा सुरक्षा चक्र है, इसीलिए हम निडर होके बात करते हैं। मेरे लिए जब भी कुछ हो, मैं हमेशा इस बिहार के लिए रहूंगा, क्योंकि मैं बिहार को अपना मानता हूं। इसलिए नहीं कि मैं आज पटना में था, मैं हमेशा मुंबई की भी सब बिहारी हमारे दोस्त सब जानते, बोले तुम बहुत, मैंने हाँ बिल्कुल तुम चले जाओ, एक दिन सब बिहारी घर बैठ जाए, एक खाना नहीं बनेगा मुंबई में। राज ठाकरे घर में भी वही काम करते हैं, और ये फूके हुए कारतूस मीडिया में चाहिए, बिहारी को गाली देने वाला कोई मिल जाता है तो ठाकरे बचाते हैं। तो बिहारी गाली नहीं है, बिहारी होना ये गर्व की बात है। और मुझे गर्व है कि मेरे बहुत सारे मित्र बिहार, मतलब बिहार बहुत ज्यादा, एक तो क्या है बिहार में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत है। एक बार ऐसे चुनाव चल रहे थे और हम आए थे, तो कांग्रेस के मुकुल वासनिक जी थे इंचार्ज, तो मुकुल जी एयरपोर्ट पे मिल गए, बोले अशोक क्या लगता है तुम्हें, मैं आपको आपको क्या लगता है, अरे बोले यहाँ साइकिल रिक्शा वाला भी सेफोलॉजिस्ट है। साइकिल रिक्शे वाले के बाद भी बैठ जाओ तो पूरे बिहार का चित्र बताता है, बोले वो कौन जिले में कौन आएगा और कैसा आएगा, वेरी एक्टिव। तो यदि ये इतना पॉलिटिकली अवेयर है, यदि आप इतने राजकीय दृष्टि से प्रगल्भता दिखाते हो, तो एक हाथ जोड़ के विनती, एक नई हुंकार भरो, मेरी हुंकार की छोड़ो, एक हुंकार भरो और आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर ऐसे बनो कि नेता आपके चौकट में माथा टेकने आए, और जिस दिन वो आएगा उस दिन फिर जयप्रकाश नारायण की जरूरत नहीं होगी, वो उनकी आत्मा को और सुख शांति मिलेगी कि जिस बिहार के लिए हमने संघर्ष किया आज बिहार जग गया है, एक बार फिर से जगने की जरूरत है। इसी आशा और रिक्वेस्ट के साथ मैं धन्यवाद अदा करता हूँ ट्रस्ट का कि जो उन्होंने मुझे बुलाया। और यदि कोई मेरे बोलने से दुखी हुआ हो तो ये ट्रस्ट का कोई नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, गालियाँ खाने के लिए मैं तैयार हूँ, टालियाँ ही नहीं गालियाँ भी खाता हूँ। तो धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय बिहार, जय हिंद।